Hello students, you are welcome in maths class. Today I will teach you chapter number 15. Name of this chapter, visualizing solid shapes. About the solid shapes, you have to study today. Solid shapes से पहले आपको तीन तरह के shapes मिले होंगे. पहला है कि वन डायमेंशनल फिगर. और दूसरा होता है टू डायमेंशनल फिगर. और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल फिगर. अब इसका देख लीजिए, वन डायमेंशनल में क्या आता है, ये लाइन है, इसमें वन डायमेंशनल है, ओनली लेंथ होगा आपकी, केवल लेंथ आप देख रहे हैं, इसमें केवल लेंथ है. टू डायमेंशनल में ये फिगर आपका हो जाएगा, एल भी है और बी भी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है. और थ्री डायमेंशनल में आपका हो जाएगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी. अब जान लीजिए, जैसे एक पेपर है, पेपर वन टू डायमेंशनल है, 2D कहा जाएगा. और ये अगर इस मोबाइल के कवर की बात करें, ये देखिए, तो ये आपका थ्री डायमेंशनल है. क्यों थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि इधर देखिए लेंथ भी है और इसकी ये ब्रेथ भी है, और ये जो देख रहे हैं ये यहां से यहां तक ये हाइट भी है, मोटाई है इसकी. जिस फिगर में लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और मोटाई भी हो, मतलब हाइट भी हो, वो थ्री डायमेंशनल होता है. और जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो, वो टू डायमेंशनल होता है. जिसमें केवल लेंथ ही हो, दैट इज वन डायमेंशनल फिगर होते हैं. तो आपको ये चीजें समझना है. बहुत सी, जैसे टू डायमेंशनल में एग्जांपल के लिए आपका स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ये सब टू डायमेंशनल हैं. ट्रायंगल आपका जो है, टू डायमेंशनल फिगर. अब जैसे आपका इसमें ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, और पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, काइट, ये सब जो है टू डायमेंशनल है. क्लियर हुई बात. और उसके बाद जो है, अब आपको क्यूबॉइड पता ही है. क्यूबॉइड का एग्जांपल आपकी बुक है और ये बॉक्स है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हैं, इसलिए ये क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं. और क्यूब भी इसी तरह होता है, क्यूब में भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, लेकिन क्यूब के लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है. और क्यूबॉइड में लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी, तो जान लीजिए क्यूबॉइड है. और अगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगी, वो क्यूब है. और उसके बाद कोण आपने पढ़ा ही है, ये देखिए आपका
कौन है इसमें, तो ये सारे शेप्स आपने पढ़े हैं। और स्फेयर भी आपने पढ़ा है, स्फेयर का एग्जांपल ऐसे बॉल होता है, ये देखिए आपका बॉल है, ये स्फेयर है। और सिलेंडर भी आपने पढ़ा है, सिलेंडर, ये तो ये सारी चीजें आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, इसमें आपको यही जानना है। जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्यूबॉइड में, ये आपका ये बुक जो है ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है। अगर इसमें कोई पूछे एज कितनी होती है, तीन चीजें पूछी जाएंगी, एक एज पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा कि कितने फेस हैं, फेस पूछा जाएगा और वर्टिसेस पूछा जाएगा, वर्टिसेस। ये तीन चीजें किसी भी शेप, सॉलिड शेप के विषय में पूछी जाएंगी। तो क्यूबॉइड में अगर पूछा जाए कितने एज होते हैं, तो आप ये वन एज हो गया, टू एज हो गया, दो इधर, दो इधर, चार हो गया, चार दो छह और छह दो आठ हो गया, उसके बाद नाइन और फिर टेन और फिर इलेवन और फिर ट्वेल्व। तो कितनी एजेस होती हैं इसमें, ट्वेल्व एजेस होती हैं। जैसे इसमें आप देख लीजिए, एक नीचे ये हो गए, ये नीचे का वन टू थ्री फोर, और फिर ऊपर भी वन टू थ्री और ये फोर हो गया, और फिर फोर फोर एट, और ये एक कॉर्नर वाला नाइन, इधर कॉर्नर टेन और इधर कॉर्नर इलेवन, इधर कॉर्नर ट्वेल्व हो गया। अपनी एक्सरसाइज में आइए, इसमें पूछा जा रहा है सिलेंडर के एग्जाम्पल बताइए। सिलेंडर का जैसे दो एग्जाम्पल आपको बनाना है, बताना है। तो सिलेंडर का बहुत से एग्जाम्पल हैं आपका, जैसे पानी का बॉटल है, और बॉटल लिख सकते हैं, और क्या नाम है, मार्कर लिख सकते हैं, मार्कर, ये पेन भी, पेन भी आपका सिलेंडर का एग्जाम्पल है, और पेंसिल भी सिलेंडर का एग्जाम्पल है। तो ये सब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 15.1 के, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग शेप्स सिमिलर टू ए। सिलेंडर, सिलेंडर के दो एग्जाम्पल हमने पेंसिल बताया, पेन बताया, मार्कर बताया और बॉटल बताया, सब सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं। कोन का एग्जाम्पल आपको पता है, आइसक्रीम होता है और फनल होता है, आइसक्रीम कोन, दो एग्जाम्पल इसके हो गए। और उसके बाद है तीसरे नंबर पर पूछा जा रहा है कि क्यूब का एग्जाम्पल, क्यूब जो लूडो खेलने में आप डाई यूज करते हैं, वो जो है आपका क्यूब का एग्जाम्पल है चाक बॉक्स, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए चाक बॉक्स जो देख रहे हैं, ये भी क्यूब का एग्जाम्पल है। क्यूब का एग्जाम्पल का मतलब होता है इसकी ब्रेथ जो है और इसकी लेंथ जो है और हाइट सब इक्वल होगी, तो वो आपका क्यूब का एग्जाम्पल होगा। तो क्यूब के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं चाक बॉक्स लिख सकते हैं, और लूडो खेलने वाली डाई भी आप कर सकते हैं, और एक रबिक्स क्यूब होता है उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद स्फेयर है, स्फेयर में क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, जितने भी बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब आपके स्फेयर के एग्जाम्पल हैं। मार्बल जो आप खेलते हैं वो भी आपका स्फेयर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैच करने के लिए दिया गया है आपके क्वेश्चन में, तो आप जान सकते हैं, आसानी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पहले लिखा है कि ए अनशार्प्ड पेंसिल, मतलब पेंसिल जब बनी नहीं है, उसमें नोक आपने नहीं बनाया है, तब वो क्या, किसका एग्जाम्पल है, तब वो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। जब तक पेंसिल बनी नहीं है तब तक वो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरे नंबर पूछा है टेनिस बॉल, अभी हमने आपको बताया जितने बॉल होंगे वो आपके स्फेयर के एग्जाम्पल होंगे।
और फिर उसके बाद है ए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब माचिस, माचिस का बॉक्स आप जानते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होगी, और जिसकी लेंथ और हाइट और ब्रेथ तीनों अलग अलग होंगी वो क्यूबाइड का एग्जांपल होगा है। तो मैच बॉक्स को आप क्यूबाइड से मैच करा देंगे। डाई अभी हमने आपको बताया, डाई जो है क्यूब का एग्जांपल है, इसको क्यूब से मैच कराएंगे। ए क्लाउंस कैप, कैप देखते हैं ऊपर नुकीला होता है तो कोन का हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होता है। यही दो क्वेश्चन थे आपके 15.1 में। तो आपका यही होमवर्क है कंप्लीट। नोट डाउन योर होमवर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1, ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू एक्सरसाइज नंबर 15.2, और आप इसमें किसकी क्या एज है क्यूबाइड में और क्यूब में, ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लेंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 15.2 में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।